नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। वैसे तो देखा जाए तो इजराइल लगभग पिछले एक साल से युद्ध में ही है, लेकिन इस बार उसने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। इजराइल ने अपने इस हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के मुख्यालय को निशाना बनाया है, जो कि लेबनान के राजधानी बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्ला का मुख्यालय है। बेरूत की दहिया में किए गए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में हिजबुल्ला के कई आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के भी मारे जाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि इजराइल की युद्ध लड़ने की नीति जो है वो बड़ा ही यूनिक है। वह कभी भी अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और अगर यह कहा जाए कि इजराइल के मोसाद का इन सब के पीछे एक बड़ा ही यूनिक प्लान काम करता है तो वह भी बुरा नहीं होगा। देखिए, वार को लेकर इनका मकसद क्या है, यानी कि इजराइल वाले चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को इतना मौका ही ना दें कि वह ज्यादा फल फूल सके। इसलिए इनके जो भी दुश्मन है यह देखते हैं कि उनका मास्टरमाइंड कौन है या फिर लीडर कौन है, यह ढूंढकर उन्हीं को उड़ा देते हैं। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि इजराइल ने या फिर इजराइल के मोसाद ने इजराइल के दुश्मनों को ढूंढकर उनके घर में उनको तबाह कर डाला। यही कारण रहा कि अभी भी लेबनान के अंदर नसरुल्ला भी मारा गया, जो कि हिजबुल्ला का लीडर था। कोई छोटा मोटा आम कमांडर की बात नहीं हो रही है, यह एक पूरे संगठन का मेन लीडर था जो इजराइल के हाथों मारा गया। नसरल्ला की मौत की पुष्टि अब इजराइल ने की है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है। आप यहां देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इजराइल, इसके भी ये पेपर की कटिंग मैंने यहां पर लगाया और न्यूयॉर्क टाइम्स के भी स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया है। हालांकि इसे लेकर लेबनान या हिजबुल्ला की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्ला के चीफ नसरल्लाह बाल बाल बच गए हैं। हालांकि यह लेबनानियों के लिए इतना बड़ा खबर है या इतना बड़ा झटका है कि इसे वो अपने जनता के बीच एकाएक नहीं बता सकते, इसलिए वह इस खबर को धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इस खबर का डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि वहां की जनता के बीच नसरुल्ला का ऐसा इमेज बनाया गया था कि जैसे वो उन सब का हीरो है। आप यहां देख सकते हो इस वीडियो में हर जगह उनकी यह तस्वीर लगी हुई है, चाहे कोई भी मार्केट हो, दुकान हो, ऑफिस हो, हर जगह पर नसरुल्ला का यह वाला फोटो आपको जरूर दिखेगा। हिजबुल्ला मुख्यालय पर हुए इस हमले में कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि लेबनानी के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि फिलहाल वह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन से संबंधित आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि वह लेबनान में हिजबुल्ला को निशाना बनाना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हमारे सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते हम हिजबुल्ला पर हमला जारी रखेंगे। वहीं एक अलग बयान में इजराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलेंट ने भी इजराइल के दुश्मनों को हराने का संकल्प जताया। हमलों से दूर तक सुनाई देने वाले शोर के बीच बेरूत की घनी आबादी वाले दक्षिण भाग में धुएं के विशाल बादल छा गए। यह भाग ईरान समर्थित हिजबुल्ला का मुख्य गढ़ है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि हमले का लक्ष्य शहर की दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला का मुख्यालय था। यह बमबारी नेतन्याहू द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधियों को अपना संबोधन समाप्त करने के कुछ ही क्षण बाद हुई है, जिसमें उन्होंने हिजबुल्ला के खिलाफ हमले जारी रखने और हमास के खिलाफ जीत तक लड़ने का संकल्प दोहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अपने इस हमले में कई हिजबुल्ला आतंकियों को निशाना बनाया है। इजराइल ने इस हमले को लेकर जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि इस हमले का मकसद हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने का था। इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडरों को भी निशाना बनाया गया था। जब इजरायली अधिकारी से पूछा गया क्या शुक्रवार के हुए हमले में नसरल्लाह की मौत हुई थी, तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि यह कहना जल्दबाजी होगा। कभी कभी जब हम सफल होते हैं तो वे तथ्य छिपा देते हैं। इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान में भी हलचल तेज हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। देखिए, ऐसा है कि यह बात अब किसी से ढकी छुपी तो रही नहीं है। ये जितने भी इस तरह के संगठन है, हिजबुल्ला हो गया या फिर कहा जाए कि गाजा पट्टी में वो हमास हो गया और या हूती रिबेल हो गए, इन सब का बैकअप जो है वह ईरान से ही होता है और ईरान ही इनको फंड से सपोर्ट करता है, यानी उनको पैसे देता है। अब जाहिर सी बात है, जब ईरान इतना पैसे पानी की तरह बहा रहा है इनके पीछे, तो उनके साथ हुई किसी भी घटना को लेकर वो अपने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग तो करेंगे ही। यही कारण रही कि इस बैठक के दौरान खामनेई ने कहा, अगर इजराइल को लगता है कि वह हिजबुल्ला के कमांडरों को मारकर उसे घुटने पर ला देगा
तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला कमांडो की हत्या हिजबुल्ला के हौसलों को नहीं तोड़ सकती। सेना के अधिकारियों की बैठक में खामनेई ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हिजबुल्ला के कुछ प्रभावी सैनिक शहीद जरूर हुए, इससे निसंदेह हिजबुल्ला को नुकसान हुआ, लेकिन यह उस तरह का नुकसान नहीं था जो हिजबुल्ला को घुटनों पर ला दे। देखते हैं दोस्तों इसमें आगे चलकर क्या अपडेट्स आता है। तब तक के लिए दे इजाजत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।